राजधानी देहरादून में नगर निगम द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में हाउस टैक्स जमा करने का 60 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया, जिसके तहत फरवरी के पहले सप्ताह का 43 करोड़ रुपए का आवासीय और व्यावसायिक टैक्स नगर निगम वसूल चुका है। इसके अलावा जो भी 5 लाख से ऊपर के बकायेदार हैं, उन्होंने नगर निगम विभाग को नोटिस भेज दिया है। इसी क्रम में नगर निगम के टैक्स सुपरिटेंडेंट ने बताया कि पहले नगर निगम बमुश्किल 25 से 30 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स वसूल पाता था, लेकिन पिछले साल से यह आंकड़ा 50 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भी 6 फरवरी तक नगर निगम में 43 करोड़ रुपए हाउस टैक्स वसूला गया है। इसके साथ ही जिन लोगों का 5 लाख से अधिक का टैक्स बताया गया है, उनको नगर निगम द्वारा निरंतर नोटिस भेज रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जो पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा इस समय तक का कलेक्शन था, लगभग 37 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी नगर निगम को, और इस साल जो अभी तक हमारा है वसूली, वो 43 करोड़ के रूप में जो है हमें भवन कर की प्राप्ति हो चुकी है, जो कि गत वर्ष से अधिक है। और इस वर्ष का जो टारगेट है नगर निगम की ओर से जो रखा गया है भवन कर के रूप में प्राप्ति का, वो 60 करोड़ रुपये वसूली का रखा गया है, जिसमें से 43 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं। और जो अब लगभग 1.5 माह का जो समय बचा है, इसमें हमारे वसूली के प्रयास हम लोग जो है तेज करने जा रहे हैं, और जिसके क्रम में जो हमारे बड़े बकायेदार हैं उनको नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है।